हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक थ्योरम देखेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि क्या दिया गया और हमें क्या प्रूफ करना है। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रूफ दैट इन अ पैलेलोग्राम ईच डायगोनल डिवाइड द पैलेलोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो देखिए, दो यहाँ पे किसी भी पैलेलोग्राम में दो डायगोनल होता है। इसको पहले नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड दिस वन इज डी। ठीक है, तो ये ए बी सी डी मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर दो डायगोनल होगा। ठीक है, एक तो बी डी होगा और दूसरा क्या होगा, ए सी। तो यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है कि जो डायगोनल है वो दिए गए पैलेलोग्राम को दो इक्वल या फिर कहें कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। और उसके बाद हमारा सेकेंड नंबर है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और हमें यह भी प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। और तीसरा अपोजिट एंगल आर इक्वल, और ये भी हमें प्रूफ करना, मतलब कि यहाँ पर तीनों हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई भी थ्योरम रहता है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। और गिवन में हमारे पास दिया गया क्या है, गिवन में बस हमारे पास ये दिया गया है कि ए बी सी डी इज अ ए बी सी डी इज अ पैलेलोग्राम। देखिए, पैलेलोग्राम को इस तरीके से शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि पैलेलोग्राम इतना लंबा लिखने से बढ़िया है कि डबल पाई, मतलब डबल ये लाइन ड्रॉ करना, एक मीन्स पैरेलल लाइन ड्रॉ करना और जीएम लिख देना है। ठीक है ना, तो ए बी सी डी इज अ पैलेलोग्राम, ये बस हमारे पास दिया गया। हमें प्रूफ क्या करना था, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है। पहला अगर देखा जाए तो पहला एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक पहला प्रूफ कर लेते हैं, दूसरा सीपीसीटी और तीसरा भी सीपीसीटी से ही प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, या फिर तीसरा में थोड़ा बहुत और हमें एक्स्ट्रा कुछ देखना पड़े। तो हमें पहला अगर देखें तो हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी, और इसी में दूसरा अगर ये डायगोनल ड्रॉ होता है, इट मीन्स अगर ए सी को म्यूट किए होते तो हमें प्रूफ करना होता ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा, ए डी सी। ठीक है ना, अगर हम ए सी को मीट किए होते तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ए डी सी के। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हमें क्या प्रूफ करना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड, ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये हमें प्रूफ करना। और तीसरा अपोजिट एंगल आर इक्वल, इट मीन्स अपोजिट एंगल आर इक्वल, इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और दूसरा जो है वो हमारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है। ठीक है, अब यहाँ पर बी डी को मीट किया है तो हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस पे नहीं जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या कर देंगे, लिख देंगे सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो हम आते हैं पहले वाले को प्रूफ करते हैं, तो यहां से हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी वी हैव, देखिए तो पैलेलोग्राम दिया गया है कि ए बी सी डी एक पैलेलोग्राम है, और पैलेलोग्राम में आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर पैलेलोग्राम है तो पैडलर लाइंस, जो अपोजिट साइड होगा वो पैडलर होगा, और अगर पैडलर है तो देखिए, तो ये दोनों अगर पैडलर है तो एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल थ्री हो जाएगा, और अगर ए डी बी सी के पैडलर है तो वन इज इक्वल टू टू हो जाएगा। तो चलिए इसे एक्सप्रेस करते हैं किस तरीके से लिखेंगे। हम सबसे पहले आपको लिख देते हैं ए बी डी में जो एंगल फोर है दैट इज इक्वल टू एंगल थ्री, और ये कैसे, ठीक है, तो इसके पीछे कारण लिखेंगे ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। दूसरा जो है वो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन, अब की बार कौन है पैडलर, तो ए डी पैडलर टू बी सी है, ए डी पैडलर टू बी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन दोनों में सेम है, ठीक है ना, लेकिन जो पैडलर लाइन है दोनों में हम अलग अलग लिए हैं। और तीसरा जो आप देख पा रहे हैं वो बी डी दोनों में कॉमन है, बी डी इज इक्वल टू बी डी, बी डी इज कॉमन इन बोथ। तो आप देख पा रहे हैं
कि एंगल साइड एंगल, ASA, एंगल साइड एंगल। तो ट्राइंगल अगर यहाँ देखा जाए, ट्राइंगल देखिए यहाँ पर थोड़ा नेमिंग पे फोकस करना है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं या फिर ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए बी डी, ठीक है ना, ए बी डी अगर लिखे हैं तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी है, ठीक है, तो ट्राइंगल सी। और सी के बाद देखिए, ए के बाद आया था बी, ठीक है ना, ए के बाद क्या आया था बी, और बी एंगल फोर, और ये फोर किसके इक्वल है, थ्री के, तो सी के बाद क्या आएगा, डी, सी डी बी। इस तरीके से इसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ट्राइंगल बी सी डी नहीं, यहाँ पे बी सी डी ना लिख करके एंगल सी डी बी लिखे। नेमिंग देखिए कॉन्ग्रुएंट में नेमिंग हमारा सही होना चाहिए, और एक पैटर्न में होना चाहिए, जिस तरीके से पहले वाले या फिर दो ट्रायंगल को आपको कंपेयर करना होता है, तो पहले वाले में आप जिस पैटर्न में आप लिख रहे हैं, जिस वर्टेक्स के बाद जिस एंगल को ले जा रहे हैं, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल को दूसरे ट्रायंगल वाले में भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे ए के बाद बी में गए, तो बी सी के बाद हमें डी पास जाना पड़ा, क्योंकि ये जो फोर है वो किसके इक्वल है, ये थ्री के इक्वल है। इस तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, तो दूसरा जो हमें प्रूफ करना था वो सीपीसीटी से हम लोग कर देंगे। इट मीन्स एडी, अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, मतलब एडी इज इक्वल टू बीसी, और दूसरा जो हो जाएगा एबी इज इक्वल टू डीसी, ये क्या हो जाएगा, बाई सीपीसीटी। ये तो हमारा सेकंड भी हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया बाई सीपीसीटी। अब देखिए तीसरा नंबर हमें प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल बाई सीपीसीटी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसका ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या फिर दूसरा अगर तरीका आप यूज करें, तो यहाँ पर आप ये चीज लिखे हैं, ठीक है, ये चीज लिखे हैं, तो आप क्या करेंगे, एंगल फोर इस तरीके से आप लिखिए इसको। देखिए यहाँ पर थोड़ा एरर है, क्योंकि एंगल फोर एंगल टू एंगल थ्री एंगल वन, हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए कि एंगल फोर जो है वो किसके इक्वल है, एंगल फोर थ्री के इक्वल है, ठीक है, और एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू के इक्वल है, ये करेक्ट है, ठीक है ना, ये सही तरीके से लिखा गया, क्योंकि ट्राइंगल ए बी डी पहले लिए थे, तो पहले फोर को और फिर पहले हम लोग किसको डिनोट करेंगे, टू को, तो टू किसके इक्वल है, वन के ही इक्वल है। अगर ये दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री, तो वन प्लस फोर इज इक्वल टू एंगल बी एंड टू प्लस थ्री इज इक्वल टू एंगल डी। तो यही हमें प्रूफ करना था थर्ड नंबर में। आई थिंक आपको ये भी समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।